44% जो जंगल है हमारे छत्तीसगढ़ में, के बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने वनों को इतना सुरक्षित बचा करके रखा है। 110 में भूमकाल आंदोलन हुआ, पेड़ कट करके अंग्रेजों को नहीं जाएगा। किस तरीके से सरकार बैलेंस करती है कि वनों को नुकसान भी ना हो और लोगों की आजीविका भी चले। हम अपने वनों को संरक्षित करने का भी काम उनको ऊपर दिए हुए। तेंदू पत्ता की कीमत अभी 5,500 रुपए। अभी एक मामला बहुत सुनने में आता है कि जो पेड़ों की कटाई को लेकर हसदेव अरण्य का जो मामला एक चला है, वहाँ से यदि हम खरीद निकालते हैं इसी तौर पर उसमें पेड़ों का भी कटाई होती है। लेकिन पीडीएस सिस्टम की बात करें तो देश में वो अपने रोल मॉडल स्थापित कर चुका है। 24 लाख हमारे किसान लोन लेते हैं और एक साल के भीतर उसका पेमेंट भी कर रहे हैं। आप स्किल डेवलपमेंट विभाग भी आपके पास है, तो आप क्या आपकी सरकार की योजना है? शक्ति योजना के माध्यम से कपड़ों की कुछ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और उस वक्त आपको कोई चाटा पड़ा था क्या, कुछ कोई ऐसी कहानी है? आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और जिस तेजी से हमारे आसपास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसी तेजी से हमारे आसपास के प्राकृतिक संसाधन और नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे वन, पर्यावरण और जलवायु बहुत हद तक प्रभावित हो रहे हैं। इन्हें बचाने के लिए एक आम नागरिक होने के नाते हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो तो हमें निभानी ही चाहिए, लेकिन सरकार इस संबंध में क्या कोशिश कर रही है ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे आज के यूजेट के पॉडकास्ट के इस एपिसोड में। और हमारे आज के गेस्ट हैं छत्तीसगढ़ के वन और जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, स्किल डेवलपमेंट एवं सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो शुरू करेंगे आपके पिताजी से, स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी, जिसको मोदी जी भी जिनको अपना गुरु मानते हैं। और जिस वक्त वो सांसद रहे, आई थिंक 1998 से 2008 या 9 तक वो बस्तर के सांसद रहे, उस वक्त अगर छत्तीसगढ़ को देखें तो वो एमपी का पार्ट था और बस्तर जो एरिया था वो पूरा वामपंथी विचारधाराओं का गढ़ था। उस समय में भी भाजपा का एक प्रत्याशी जीतता है और लगातार जीतते हैं, क्या कारण मानते हैं आप इसका? देखिए, जब मेरे पिता स्वर्गीय बलराम कश्यप जी ने जब राजनीति प्रारंभ की जी, तो उस समय में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उस समय जनसंघ हुआ करता था जी, जी। और जनसंघ में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा और उसके बाद वो लगातार विधायक भी रहे, 5 टर्म में विधायक रहे और इंदिरा गांधी के उस लहर के दौरान भी उन्होंने उस भानपुरी सीट से उन्होंने विजय हासिल किया। लगातार उन क्षेत्रों में, चाहे हमारे आदिवासियों के मुद्दे को लेकर के हो या स्वास्थ्य की सुविधाओं के विस्तार के लेकर के हो या जंगल जमीन के पट्टे की लेकर की बात हो या फिर शिक्षा के विस्तार की बात हो या रेल कनेक्टिविटी की बात हो, रोड कनेक्टिविटी की बात हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के उन्होंने हमेशा जमीन की लड़ाई लड़ी। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता था जी, जब मैं पहली बार विधायक बना, मंत्री बना, कोई यदि मेरे पास में कोई अपनी परेशानी लेके आता था तो मेरे पिता को पहले से मालूम रहता था कि उसका क्या विषय है, इतनी मतलब डेप्थ तक जानकारी रहती थी, उनका नॉलेज था। और कई बार ये होता था कि उनके बच्चे आ गए, क्योंकि वो तो पिता के साथ में काम कर चुके हैं, लेकिन उनके बच्चे आ गए तो वो यदि क्या लगता है विषय रखते थे तो वो बता देते थे तुम उसके बेटे हो ना। अच्छा, विषय से वो समझ जाते, समझ जाते। तो इस तरीके से उनका वो था। और शायद यही कारण रहा कि इतना जब आधारभूत चीज़ों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, ज़मीनी लड़ाई लड़ी, तो एक जो लोगों ने वहाँ पर उनके काम को पसंद किया। बिल्कुल। और निश्चित तौर पे जब वहाँ पर विधायक सांसद की बात दूर, कोई पार्षद तक के लिए सोचता था, उस समय में उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया और एक विचारधारा के साथ में और अपने मूल्यों आधारित राजनीति उन्होंने की। तो आपका माहौल अगर घर का देखा जाए तो राजनीतिक था, आपने बचपन से देखा, तो क्या बचपन से आपने सोच लिया था कि आप राजनीति में आएंगे या हमने ऐसा सुना है कहीं कि आप कोई सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रहे थे? बिल्कुल, मैं सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रहा था और मैं रेवेन्यू में जाऊंगा सोच रहा था और उसके इसी से तैयारी कर रहा था और मेरी इच्छा नहीं थी राजनीति में। और फिर कैसे आए आप राजनीति में? राजनीति में फिर बीच में मेरे एक ब्रदर थे जो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे और उनके डेथ के बाद में एक बहुत बड़ा गैप आ गया। पिताजी सांसद थे और उन्होंने कहा कि तुमको
चुनाव की इसी से तैयारी करनी है और उन्होंने पंचायत चुनाव लड़ा है और लोगों के बीच में जाने को मुझे प्रेरित किया कि लोगों के बीच में जाओ और उनकी बातों को सुनो समझो और उनका निराकरण तुमको करना है, मेरे पास नहीं आना ये विषय मतलब एकदम ज़्यादा जरूरी हो तब आना, लेकिन तुम अपने दम पर यदि चाहे वो SDM के पास में हो, चाहे CO के पास में हो, चाहे TI के पास में हो, जिस भी स्तर में हो, वहाँ तक चर्चा तुमको खुद को करनी है। तो सीखना समझना है, सीखना समझना है, विषय को समझोगे तब जाकर के उसका निराकरण कर पाओगे। तो इस तरीके से उन्होंने कहा, तैयार किया और हम लोग गांव-गांव जाकर के बैठने लगे और रिस्पांस भी अच्छा मिला। हमने तो सोचा नहीं था कि हम मुझे पहले ही टर्न में विधानसभा की टिकट मिल जाएगी, या विधानसभा की टिकट मिली और पार्टी के आशीर्वाद से मैं पहले टर्म में ही मंत्री बना। डॉक्टर रमन सिंह जी के आशीर्वाद से पहले टर्म में मुझे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का दायित्व दिया गया। जी, अगर हम बस्तर के आदिवासी संस्कृति की हम बात करें तो बहुत ही खास, हर अगर हम आदिवासी की बात करें, हर उनकी संस्कृति बहुत खास है। आप स्पेशली भतरा समुदाय से आते हैं, इसकी क्या विशेषता है? देखिए, हमारे जो भतरा समुदाय है वो विशेष तौर पे हमारे जगदलपुर और जो कोंडागांव ज़िले में वहाँ पर निवासरत हैं और अभी तो सभी ज़िलों में लगभग रहना स्प्रेड हो गया, स्प्रेड हो गया, फैल चुका है। और भतरा मुरिया एक आपस में है ही, हम लोग भतरा मुरिया एक शादी बेटी और ये सब का। अच्छा, मुरिया भी मतलब एक समुदाय है? हाँ, तो वो भी हमारे साथ मिला हुआ अच्छा, है। अच्छा, भतरा मुरिया, तो हम लोग का जो कल्चर है वो कल्चर हमारे चाहे शादी का हो, छठी ब्याह का हो, सारा चीज में एक अलग विशेषता है और निश्चित तौर पे उस परंपरा का निर्वहन अभी भी हमारे लोग करते हैं। आज भी हमारे जो पूर्वजों ने जो रास्ता दिखाया है उसके आधार पर चलते हैं। हमारे जो समुदाय है विशेष तौर पर पूजा पद्धति पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है। अच्छा, पूजा पद्धति हम लोग ज़्यादा करते हैं और हमारे जो अभी भी जैसे यदि हम बात करें, हमारे यहाँ पर दशहरा का महापर्व हो रहा है 70 दिनों तक, तो उसमें भी हमारा योगदान रहता है। सभी समुदाय का उसमें योगदान रहता है कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी किसी न किसी पार्ट से वो जुड़े हैं, जुड़ा रहेगा और उसके तहत में वो उस दायित्व का निर्वहन करता है। तो ये आज से 700 साल पुरानी हमारी परंपरा है और कहीं ना कहीं से आज उसको जीवित करके हमारे लोगों ने रखा है और हम सब का दायित्व बनता है कि उस परंपरा को हम निर्वहन करें। केवल सरकार के भरोसे नहीं चल रहा है, सरकार के अलावा भी हमारा भी दायित्व बनता है कि सामाजिक रूप से हम मजबूती के साथ में अपने इन दायित्वों का निर्वहन करें। अगर हम DMF फंड की बात करें तो जो आदिवासियों के लिए आई थिंक रखा गया है ये खर्चा, लेकिन ऐसा सुनने में आता है अक्सर कि वो पूरी तरीके से खर्च नहीं हो पाता है और जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। पहली चीज़ तो इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर है तो ऐसा क्यों है, क्या इसके लिए कोई सख्त कानून बनना चाहिए? नहीं, अभी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का जो लागत है और जो राशि वहाँ पर, अभी जैसे हमारे यहाँ पर यदि हम बात करें दंतेवाड़ा, सुकमा या बीजापुर में, वहाँ जितनी राशि है एक तरीके से देखा जाए तो राज्य सरकार के माध्यम से उनको अलग से फंड देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो हमारे जो वनांचल में जितने भी हमारे ज़िले हैं, चाहे दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, ये जो वैसे भी नक्सल इफेक्टेड हैं और आकांक्षी ज़िले हैं और हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको अलग से विकसित करने की नीति बनाई और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से जो प्रावधान है उसमें हमको शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अधोसंरचना में, इन विषयों को लेकर के विशेष तौर पे फोकस करके हमको काम करना है। पेयजल के दृष्टि से हो सकता है तो उस दृष्टि से हम काम भी करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं आधुनिक क्षेत्र में हमारे, क्योंकि नक्सल इफेक्टेड भी है और उन क्षेत्रों में कार्य करना इतना आसान भी नहीं होता है। और फिर भी आज यदि हम बात करें तो
हमारे मैदानी क्षेत्र की तुलना में यदि हम सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर की बात करें तो वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा दिखता है। और क्योंकि हम ये भी महसूस करते हैं कि वहाँ पर राज्य सरकार के जो बजट में जितना प्रोविज़न है उसके अलावा भी यदि वहाँ पर जिला स्तर पर यदि वहाँ के जनप्रतिनिधि ये तय करते हैं कि हमको अन्य चीज़ों में हमको व्यय करना है तो उसमें वो भी होता है। हाँ, वो तय कर लेते हैं। एक डीलिस्टिंग का भी मुद्दा आप हमेशा उठाते रहते हैं, तो ये डीलिस्टिंग से क्या आपको लगता है कि जो मूल आदिवासी है उनके अधिकारों की रक्षा कैसे हो सकती है? देखिए, हमारी जो पहचान है, हमारी एक आइडेंटिटी है, अलग तरह की संस्कृति, अलग परंपरा, रीति रिवाज के आधार पर हमको जो पहचान मिलती है या हमको आरक्षण का लाभ मिलता है। और यदि हम उनका यदि हमको छोड़ते हैं, हम अपने आस्था के केंद्रों को हम छोड़ देते हैं और हमारे जो मान्यता है कोई दूसरी ओर चली जाती है, तो हमारी मानना है कि जिस तरीके से SC कम्युनिटी के लिए जो प्रावधान है, SC कम्युनिटी यदि अपना धर्म परिवर्तन करता है तो वो अपने कहते हैं SC कम्युनिटी से हट जाता है। उसी तर्ज पर हम चाहते हैं कि यदि हमारे ट्राइबल कम्युनिटी यदि उसने धर्मांतरण कर लिया है, यदि वो अपने आस्था और अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराओं को नहीं मान रहा है, तो उसको भी उसका लाभ न मिले। डिलिस्टिंग इस आधार पर हम लोग मांग कर रहे हैं ताकि हमारी जो परंपरा है, हमारे रीति रिवाज है, जो हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया है, वो यथावत रहे। आखिर कहीं ना कहीं से हमारे इन इस पर आक्रमण हो रहा है और कहीं ना कहीं से हमारी संस्कृति दूषित हो रही है। डुअल संस्कृति के साथ हम नहीं जी सकते। तो ये बहुत जरूरी है और बहुत अहम अपने उन अधिकारों को बचाने के अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज उसके कारण से हम हमारी रीति रिवाज, हमारे परंपरा के कारण से ही हम लोग वहाँ पर हमारी पहचान स्थापित है। यदि मैं अपने माई दंतेश्वर की पूजा करना बंद कर दूं या फिर हम अपने अपनी जड़ों को अगर छोड़ दें तो जड़ों को से दूर हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारे पूरी पहचान खत्म हो चुकी है। और जो धर्मांतरण का आप जो मामला अक्सर बीच बीच में आप बस्तर में उठाते थे, तो क्या ये इसी से रिलेटेड है या और भी धर्म इसमें जुड़ते हैं और अभी क्या स्थिति है बस्तर में? नहीं, हमने कहा है हम धर्मांतरण के खिलाफ नहीं है, हम अवैध धर्मांतरण के खिलाफ है। हमारे यहाँ पर यदि वो लीगल वे में जाकर के वो यदि धर्मांतरण करता है तो उसके लिए कोई रोक नहीं है, हो जाए। लेकिन यदि अनलीगल तरीके से लोभ प्रलोभन के माध्यम से वहाँ पर वो लोगों को भ्रमित करके, यदि वो जिला प्रशासन के बिना जानकारी के यदि वो वहाँ पर धर्मांतरण करता है तो वो गलत है। सोच के जरिए अगर वो रखते हैं तो हम किसी धर्म को मानने के लिए हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रलोभन के माध्यम से, अशिक्षा के चलते वो जिस तरीके से वहाँ लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं उसके हम खिलाफ हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, और जैसे आज अगर हम पूरे देश या पूरे विश्व में बात करें तो पर्यावरण संरक्षण और वन को बचाना, पेड़ों को लगाना, कि किस तरीके से ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक इम्बैलेंस पूरे एनवायरनमेंट में हो रहा है, उन सारे सिनेरियो को देखते हुए अगर हम पूरे भूभाग की बात करें तो 44% जो जंगल है या वन है हमारे छत्तीसगढ़ में है, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही प्राउड की बात भी है। हालाँकि इतना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे इंक्रोचमेंट कहें या एग्रीकल्चर कहें, इन सब चीज़ों के बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने वनों को इतना सुरक्षित बचा करके रखा है, तो इसका क्या कारण आपको लगता है? क्या किसको आप ये क्रेडिट देंगे? देखिए, आज हमारा जो छत्तीसगढ़ है देश का तीसरा बड़ा राज्य है जहाँ पर हमारा वनाच्छादित हमारा क्षेत्र है लगभग 44%, और कहीं ना कहीं से हमारे उन क्षेत्रों में जो वनांचल क्षेत्र है वहाँ पर हमारे वनांचल के वनवासी भाइयों ने उनको संरक्षित करके भी रखा है। सरकार तो कोशिश करती है, लेकिन सरकार के साथ साथ यदि वहाँ का व्यक्ति नहीं चाहेगा तो वो संरक्षित नहीं रहेगा। आज आप सोचिए कि हम लोग हमारे यहाँ पर गुंडा दूर हुआ करते थे, आपके संज्ञान में होगा, शहीद गुड्डाधूर 1910 में भूमकाल आंदोलन हुआ था, और उन्होंने अभी भी रेलवे लाइन बिछी है, अंग्रेजों ने लकड़ी ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए यहाँ से लेकर के
हमारे केसकाल घाट के ऊपर तक जो हमारा प्रवेश द्वार है वहाँ तक उन लोगों ने रेलवे लाइन बिछाई थी। अभी नहीं है रेलवे, मतलब रेलवे लाइन के अवशेष है। तो उस समय में गुंडाधुर ने ये तय किया था, मुहिम चलाया था कि हमारे यहाँ से जंगल नहीं कटेगा, जंगल का कोई भी कहते पेड़ कट करके अंग्रेजों को नहीं जाएगा। तब 1910 में यदि उन्होंने कल्पना की थी, सोच लगाया था, तो उस समय तो जहाँ पूरा ही जंगल था। हाँ, बिल्कुल तो मतलब प्रकृति के प्रति ये अपार मतलब श्रद्धा उस समय दिखती थी और प्रकृति के साथ में जुड़ाव था, तो उसको हमको संरक्षित करने के रखने की आवश्यकता है। और आज छत्तीसगढ़ हमारी सरकार ने लगभग 67 प्रकार के वनोपज को, लघु वनोपज को वो किया है और उसको खरीदी करने का प्रावधान किया है। तेंदूपत्ता की कीमत अभी 5,500 रुपये मानक बोरा रखा गया है। सरकार की कोशिश हो कि क्योंकि हमारे लोग वनोपज पर जीवन आधारित है। हाँ, वही हम पूछना चाह रहे थे, क्योंकि ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि वनोपज जो वहाँ रहते हैं लोग, वो उनके लिए एक जीविका का साधन भी है, चाहे हम तेंदूपत्ता की बात करें या इमली की बात करें। तो किस तरीके से सरकार बैलेंस करती है कि वनों को नुकसान भी ना हो और लोगों की आजीविका भी चले? देखिए, वो तो फल लेते हैं, पत्तियाँ लेते हैं, या फिर जो जड़ होते हैं, जो उनको मालूम है हमारे जो वनवासी बंधु हैं कि वो उसके लिए आय का साधन है, स्रोत है। अगर उसको नष्ट करेंगे तो उसकी आजीविका कैसे चलेगी, इसलिए उसको संरक्षित करके रखने का काम भी वो करता है। तो मेरा ये कहना है कि हम यदि जो 5,500 रुपये किया है या उसका हमने समर्थन मूल्य बढ़ाया है, तो हम एक तरीके से देखें तो वो हम अपने वनों को संरक्षित करने का भी काम उनको ऊपर दिए हुए हैं। एक तरीके से हम तो खरीद रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे वन की रक्षा भी वो कर रहा है। इसकी भी हमको एक बार चिंता करनी चाहिए और उसके दृष्टि से हमको प्लानिंग करनी है। तो आने वाले समय में और इसको अपडेट करेंगे किस तरीके से हम। आपने कहा 1910 से जब अगर ये विचार थी कि हमारे वनों को बचाना है, लेकिन अभी एक मामला बहुत सुनने में आता है कि जो पेड़ों की कटाई को लेकर हंसदेव अरण्य का जो मामला एक चला है, क्या सच्चाई है इसमें? मतलब सरकार का क्या पक्ष है जो हम सुनते हैं, क्या यही है या इसकी सच्चाई कुछ और है? देखिए, आज जितने भी हमारे वनांचल क्षेत्र है वहाँ पर खनिज संपदा अपार मात्रा में है, चाहे आयरन हो, चाहे टीन हो, चाहे बॉक्साइड हो, चाहे कोरंडम हो, चाहे कोयला हो, और वहाँ से यदि हम खनिज निकालते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें पेड़ों का भी कटाई होती है। लेकिन हमारा ये दायित्व है कि हम पेड़ काट तो रहे हैं, लेकिन उसके तुलना में हमको उससे कई गुना ज़्यादा हमको पेड़ लगाना ही नहीं बल्कि उसको संरक्षित करके रखना है, हम उस वन को जीवित करके रखें। क्योंकि हमारी आवश्यकता है, हमको बिजली भी चाहिए, हमको लोहा भी चाहिए, हमको सारे खनिज भी चाहिए, तो उस दृष्टि से हम उसका उपयोग भी करें, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने उनके लोगों को, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको रोजगार भी उपलब्ध कराएं, और जो जिस जंगल के लिए उन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, जिस जंगल के लिए उसको रक्षा करते आए हैं, उसको हमको संरक्षित करें, उसको व्यवस्थित करके हमको देना है। तो आपको लगता है कि जैसे जल का, वन का संरक्षण, संवर्धन और विकास, ये एक साथ संभव है? बिल्कुल, और हमारे पुराने उसमें तो करते ही थे। अभी तो हम लोगों ने पहले तो घर घर पे कहते हैं लोहा बनाने का वो था कि घरेलू उद्योग था एक तरीके से देखा जाए तो। संरक्षण संवर्धन या नियमन के दृष्टि से हम लोग तो लगातार काम कर ही रहे हैं, लेकिन और इसको बेहतर करने के दृष्टि से हम योजना बना रहे हैं। अभी हमारा एक ग्रीन समिट का कार्यक्रम भी चल रहा है और उस पर बहुत सारे विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आने वाले 4 साल के भीतर में हमको किस किस दिशा में हमको काम करने की आवश्यकता है, उस पर हम चिंतन मंथन भी कर रहे हैं। अगर हम एक बात करें, जैसे जंगल कट रहे हैं या जंगल कम हो रहे हैं या उनको आप संरक्षण भी दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा देखने को आती है कि ह्यूमन और एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है,
जो हम अभी देख भी रहे हैं कि कई हाथी सरगुजा वगैरह में हमने ऐसे किस्से सुने हैं कि हाथी आ जाते हैं, फसल नुकसान करते हैं, घरों को तोड़ देते हैं, तो क्या ये हम एक तरीके से वनों के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं या गाँव को स्थापित कर रहे हैं, या क्या रीज़न आप मान रहे हैं और इसके लिए क्या सरकार की योजना है? उन क्षेत्रों में चाहे हम नेट कनेक्टिविटी हो या रोड कनेक्टिविटी हो, वो तो हम हमारा दायित्व है कि हम करेंगे, लेकिन हमारे वहाँ पर रहने वाले वनवासी बंधु प्राचीन काल से लेकर के अब तक, प्राचीन काल में तो उतनी अभी की दृष्टि से टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं से हम थोड़ा सा कमर्शियल हो रहे हैं और उसके कारण से उन क्षेत्रों में जो अतिक्रमण हो रहा है, यदि हम किसी के घर में घुसेंगे तो स्वाभाविक है कि वो हमारे ऊपर आक्रमण करेगा या फिर हमारे उसमें आएगा। ऐसे लोगों को अवेयरनेस के लिए लगातार हमारा वर्क भी चल रहा है और हमारे अभी जैसे हम बात कहें कि अपने इधर गरियाबंद हो, महासमुंद हो, यहाँ पर हम लोगों ने तैयार भी किया और हाथी मानव के बीच में जो द्वंद था वो कम हुआ। ऐसे घटनाएं लगातार काम हो रही है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि और इसको लोगों को जागरूक करना, और हमारे लिए हर्ष का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ की जो हाथी की बात जो हम लोगों ने यहाँ पर प्रारंभ कराया और जिसमें शाम के 5 बजे जब भक्त कहते हैं हमारे यहाँ रेडियो के माध्यम से प्रसारण होता है कि आज हाथी कहाँ कहाँ पर देखे गया, उसके संदर्भ में जो जानकारी दी जाती है उसके माध्यम से हमारे लोगों को बहुत बचाव करने के एक साधन मिला है। अगर हम जानवरों की बात करें तो टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा, और अभी अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में तो सिर्फ 22 टाइगर बचे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली सरकार ने 2 अनाउंस किए हैं, आई थिंक गुरु घासीदास नेशनल सेंचुरी और तिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसमें क्या नया प्लान है? देखिए अभी तो उसके अपन लोगों ने कैबिनेट में इसकी स्वीकृति दी है, देश का तीसरा बड़ा हमारा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट होगा और निश्चित तौर पे वहाँ पर हम उसको उस तरीके से डेवलप करेंगे कि क्योंकि हमारे यहाँ पर वन्य जीवों के लिए, उनके रहवास के लिए अच्छा वातावरण है। आज भी यदि हम बात करते हैं, चाहे हमारे साउथ की बात, इधर साउथ बीजापुर क्षेत्र की बात करें या दंतेवाड़ा सुकमा की बात करें, या इधर हमारे जो गरियाबंद महासमुंद में जो बॉर्डर के जीव हैं वो यहाँ पर आकर, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट यहाँ ज़्यादा, यहाँ पर उनको लगता है कि उनके लिए रहवास के कृषि से ये अनुकूल है। उसी तरीके से उधर हम देख रहे हैं महाराष्ट्र के जो बॉर्डर हैं वो भी कहते हैं जीव यहाँ आने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये उनके रेसिडेंस के दृष्टि से उनके लिए बहुत अच्छा वातावरण हमारा छत्तीसगढ़ का जंगल है, तो उसको हमको फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, वो हम कर रहे हैं जी। और इतनी नीतियाँ और इतना काम अगर हो रहा है, तो अगर हम वैकेंसीज की बात करें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो वो उसके ऊपर क्या विचार है सरकार का? क्योंकि अगर इतने काम हम सोच रहे हैं, सरकार सोच रही है, तो उसके क्रियान्वयन के लिए भी तो लोग चाहिएंगे, और जनता के लिए भी एक रहेगा कि किस तरह की वैकेंसीज निकलेंगी और कब निकलने वाली है। अभी तो लगातार हम लोगों ने अभी वन रक्षकों की भर्ती भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है, कुछ और भी काम करें तो उसमें टेक्नोलॉजी का भी हम लोग उपयोग करेंगे वन प्रबंधन के दृष्टि से, वन्य जीवों के संरक्षण के दृष्टि से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम निचले स्तर तक हम पहुँच सके, उसके दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। और जो भर्तियां हैं वो भर्तियां भी होंगी, और सरकार का पहला दायित्व तो बनता है कि हम अपने वनों के संरक्षण के दृष्टि से जो भी आवश्यक संसाधन है वो संसाधन हम जुटा कर देते हैं। आप सहकारिता मंत्री भी हैं, और अगर हम छत्तीसगढ़ की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करें या पीडीएस सिस्टम की बात करें, तो देश में वो अपने आप में एक मॉडल रोल मॉडल स्थापित कर चुका है, लेकिन फिर भी एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में ये इतना कारगर नहीं हुआ है, क्या कारण मानते हैं आप इसका? देखिए अभी हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी वो स्वयं आए थे पिछले 24 तारीख को जी, और उन्होंने निर्देशित भी किया है कि हमको आने वाले समय में जो दूध उत्पादन में या फिर मतलब डेयरी पालन या फिशरीज में हमको और भी सोसाइटियों का गठन करना है और उसके दृष्टि से तैयार करना है। तो हमारा
कोशिश है कि आने वाले समय में हमारे हर पंचायत में डेयरी की के जिससे हमारी समितियां हों और उनके कलेक्शन सेंटर और बाकी चीज़ों की भी चिंता हमारी सरकार के माध्यम से हो, फिशरीज़ के माध्यम से हमारे पास में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलते हैं पौंड है और वाटर बॉडीज़ है, तो उसमें हम कैसे अपने लोगों को तैयार करें, इसकी दृष्टि से हम कार्य योजना बना रहे हैं। जहाँ तक हेल्थ की दृष्टि से आपने कहा, तो हेल्थ में हमारे यहाँ पर हम लोग राज्य सरकार के माध्यम से निःशुल्क हम लोग दवाई उपलब्ध कराते हैं, तो लोग समितियों से लेने क्यों जाएंगे, ये सबसे बड़ा कारण है। लेकिन आने वाले समय में और भी हमारे, चाहे हेल्थ की दृष्टि से हो या एजुकेशन की दृष्टि से हो, इन समितियों को और बढ़ाने की दृष्टि से हम काम करेंगे। हमारे यहाँ पर कोऑपरेटिव टोटल एग्रीकल्चर बेस्ड है और लगभग 24 लाख हमारे किसान कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, और यदि हम बात करें तो 6000 करोड़ का लगभग प्रतिवर्ष लोग हमारे किसान बंधु उसमें लोन लेते हैं और एक साल के भीतर में उसका पेमेंट भी कर देते हैं। तो ये इससे बड़ा अच्छा उदाहरण और देश में कहीं पर नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि हमारे जो किसान हैं वो केवल पेड़ी पर ही निर्भर न रहे, अन्य जो कहते हैं खेती के उत्पाद हैं वो उसके लिए दृष्टि से भी तैयार हो। आप स्किल डेवलपमेंट विभाग भी आपके पास है, तो आप क्या, आपकी सरकार की योजना है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का युवा या छत्तीसगढ़ के लोग किस तरीके से स्किल्ड हो पाए, क्या प्लानिंग की है आपने? देखिए, छत्तीसगढ़ में एक तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या फिर हम अपने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से हमारे लोगों को तैयार करना और उनका प्लेसमेंट हो, जितने भी हम प्रशिक्षण दें उस प्रशिक्षण के माध्यम से उसको रोजगार प्राप्त हो, कौशल उन्नयन हो सके, इसके दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से ही कौशल विकास के कार्यक्रम को प्रारंभ करने का दायित्व भी छत्तीसगढ़ का ही है। डॉक्टर रमेश सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग पहला लाइवलीहुड कॉलेज दंतेवाड़ा हमने स्थापित किया, और आज भी वहाँ पर हमारी माताएं बहनें जो शक्ति योजना के माध्यम से कपड़ों के व्यापार कर रही हैं, बनाने का काम कर रही हैं, और भी बहुत सारे विषयों को लेकर के हमारी योजना है कि हम आने वाले समय में इन सब चीज़ों को फोकस करके हमारे यहाँ जितने भी रोजगार संबंधित जितने भी अवसर होंगे उसके दृष्टि से उस ट्रेड में हम उनको प्रशिक्षण दिलाएं और प्रशिक्षण दिला करके उसमें हम नियोजित करें। जिस तरह से इतने सारे विभाग भी आप संभाल रहे हैं, आप इतना व्यस्त भी रहते हैं, इतने व्यस्त होने के बाद आपको समय मिलता है कि आप अपने ही कामों का एक बार सुपरविजन कर सकें, अपनी सेहत का ध्यान रख सकें, अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दे सकें? बिल्कुल, मैं प्रयास करता हूँ कि हफ्ता पे 3 से 4 बार तो मैं अपने जो सारे डिपार्टमेंट के हमारे जितने लोग हैं उनके साथ में बैठक कर सकूँ, एक्चुअल बैठक भी हो जाए, और उसके साथ साथ हमारी जो टेक्नोलॉजी है तो इसलिए वर्चुअल बैठक भी हम कर लेते हैं, तो वर्चुअल बैठक के माध्यम से भी हो जाता है। पार्टी का भी हमारा जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का भी हम लोग कर लेते हैं, और हेल्थ के दृष्टि से मैं वॉक भी करता हूँ और कभी कभी स्पोर्ट एक्टिविटी में भी, जैसे बैडमिंटन वगैरह भी मैं जा करके वो कर लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं से बैलेंस हो जाता है। आप किशोर कुमार के आई थिंक बहुत बड़े फैन हैं, और हमने कहीं आपने किसी एक इंटरव्यू में कहा था कि आप शायद कुछ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और उस वक्त आपको कोई चाटा पड़ा था, क्या कुछ कोई ऐसी कहानी है क्या? देखिए, आप चाटे तो इतने बार पड़े हैं पिताजी के माध्यम से कि मुझे याद नहीं है कि उन्होंने कब मारा था। मुझे तो लगता है कि मैं मंत्री था तब भी उनका गुस्सा रहता था कि तुम व्यवस्थित नहीं कर रहे हो अपने काम को, क्योंकि वो बहुत ही अनुशासन पसंद व्यक्ति थे। उनको ये मालूम था कि किस समय में तुमको अंदरूनी क्षेत्र में रहना है और कितने समय तक तुमको बाहर निकलना है। और जो नक्सली का जो हम किस्सा सुनते रहते हैं बस्तर में, और पुलिस प्रशासन का भी कहना है कि पहचानना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो आम लोगों के साथ में रहते हैं, आप चूंकि बस्तर को इतना नज़दीक से जानते हैं, आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय पर? नहीं, देखिए, यदि किसी को टारगेट करना है तो वो टारगेट के तहत में उन लोग
उसके रेकी करते हैं। और पिछली बार तो मेरे यहाँ तो इसी नवरात्र के बीच में महाअष्टमी के दिन घटना घटी थी, मेरे छोटे भाई को हम लोगों ने आकर के मंदिर में ही मार दिया, तो जबकि वो घर से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वॉकिंग डिस्टेंस में है। तो उनका ये रहता है कि किस समय में हम अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं कि हम हमारे ऊपर अटैक नहीं हो सकता। जहाँ आपने ये सोचना प्रारंभ कर दिया वहाँ उन लोग उस पर हावी हो जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उस समय में वो घटना घटित करते हैं। लेकिन क्यों ये बात है? क्योंकि नक्सलियों के जनरली ये कहा जाता है कि वो अपने समुदाय या अपने जो क्षेत्र को है उसको बचाने के लिए वो ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अगर हम बस्तर के ही लोगों को हम माने, जैसे आप भी बस्तर से ही बिलोंग करते हैं, आप लोग चूँकि राजनीतिक नुमाइंदे हैं इसलिए आप लोग उनके शत्रु हो गए हैं या क्या कारण है? देखिए, वो नक्सलाइट उस क्षेत्र में किसी को लीडरशिप के दृष्टि से आगे आने नहीं देना चाहते और उसके दृष्टि से उनको ख़त्म करते हैं ताकि वो जनता की आवाज़ बन करके रहें। और उन लोगों ने कोशिश भी की और अभी तो नक्सलाइटों के जो उद्देश्य हैं, उनके जो मोटो हैं, वो अलग हो गए। अब पहले क्या नक्सलाइट अलग थे जब उन्होंने प्रवेश किया था, लेकिन अब उनका व्यक्तिगत दुश्मनी ज़्यादा हो गई कि यदि मेरा ये दुश्मन है तो मैं उसके ऊपर आक्रमण करूँ। स्मॉल एक्शन ग्रुप बना करके उन्होंने कहते हैं अटैक करना प्रारंभ कर दिया है और करते भी हैं। लेकिन जिस तरह से भी गृह मंत्री आए थे और उन्होंने कहा है कि 2025 तक आई थिंक उनका कहना था कि आज नक्सलियों को यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए, तो आपको लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म होंगे? और अत्यंत मतलब गर्व का विषय है कि लगातार अभी माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, माननीय विश्वजीत शाह जी के इच्छा शक्ति से आज उन क्षेत्रों में लगभग 150 से 200 कोर नक्सली मारे गए। 2025 में ख़त्म सोच लिया तो सोच लिया। आने वाले समय में आपका जो कार्यकाल है उसमें आप छत्तीसगढ़ को आपके विभागों के लिए आपका क्या विजन है? देखिए, यदि हम इरिगेशन की बात करें तो हम प्रतिवर्ष 50,000 हेक्टेयर हम सिंचित एरिया हम बढ़ाएंगे, ये हमने तय करके रखा है। इसके अलावा भी हम अपने यहाँ पर जितनी भी नदियाँ हैं उन नदियों में जो संभावना है कि हम इंटरलिंकिंग के माध्यम से हमारे जो पानी का उपयोग है, जो व्यर्थ जाता है, उस पानी को हम उपयोग में ला सकें। उसके साथ साथ हमारे जितनी भी पुरानी स्कीम है जो पिछले 10-12 साल से पेंडिंग पड़ी है उसको प्रायोरिटी पे हम पूरा कराएं, चाहे लैंड एक्विजिशन का मामला हो, चाहे उसमें बजट का मामला हो, उन सब मामलों को लेकर के हम उसको पूरा करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। फॉरेस्ट का ये है दायित्व है कि हम हमारा जो फॉरेस्ट है, जितना हमारा फॉरेस्ट है उसको ही हम संरक्षित करके रखें तो हम हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि हम कटने न दें। हमारे यहाँ पर जो वन्य जीव हैं, वन्य जीवों के हम संरक्षण के दृष्टि से हम काम कर सकें और हमारे इकोसिस्टम को हम बेहतर कर सकें, इसके दृष्टि से हम लोग योजना बना रहे हैं, कार्यक्रम बना रहे हैं। और कोऑपरेटिव में भी हमारा, मैंने पहले कहा कि हमारे दूध उत्पादन हमारा बढ़े, अभी लगभग 1 से 1.5 लाख लीटर हम लोग हमारे यहाँ पर कहते हैं दूध का उत्पादन होता है, उसको हम दोगुना तिगुना हम करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है और हमें विश्वास है कि हम आने वाले 4 सालों के भीतर में हम उन लक्ष्य को हम प्राप्त भी कर लेंगे। हमारा जो फिशरीज का भी है, मत्स्य पालन भी, हम उसका भी हम उत्पादन हम दोगुना कर लेंगे। हमारी समितियों का गठन हम निचले स्तर तक करेंगे, हम अपने पैक्स की संख्या हम लोग निचले स्तर तक और बढ़ाएंगे। अभी लगभग 2058 हमारे पैक्स हैं। हमारे जिला सहकारी बैंक का भी हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले समय में उसका भी हम निचले स्तर पर और विस्तार करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम जोड़ सकें, हमारी समितियों का गठन हम कर सकें। और स्किल डेवलपमेंट में तो जो हमारे यहाँ पर, चाहे वनोपज पर आधारित हो, चाहे खरीद पर आधारित हो, जो बाहर से जो आते हैं उसकी अपेक्षा हमारे यहाँ के हमारे युवा को हम तैयार कर सकें उस योजना के तहत जोड़ने के लिए। इतने विजन हैं, इतने लक्ष्य हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब इन सब योजनाओं पर काम होगा तो कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा, कितने परसेंट लोगों को रोज़गार यहाँ छत्तीसगढ़ में मुहैया हो पाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि यदि हम पिछले बार की तुलना अभी तक जो हमारा लक्ष्य है उससे हम दुगुना कर लेते हैं
तो हम कई लाख लोगों को हम लोग इसमें लाभान्वित कर सकेंगे और उस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। और अभी तो जैसे माननीय विश्व देसाई जी की सरकार में जिस तरीके से एक से बढ़ करके एक कार्य हुए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे हमारे महतारी वंदन की बात हो, चाहे किसानों का धान का कीमत की बात हो, चाहे पिछला ब्याज का राशि हो, तेंदूपत्ता 5,500 रुपये करने की बात हो, ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, रामलला के दर्शन हो, ऐसे विषयों को हम जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इतने कम समय में इतनी योजनाओं का क्रियान्वयन और इतने वादों का पूरा करना किसी सरकार ने किया है तो माननीय विश्व देसाई की सरकार ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से अभी तक वादे पूरे हुए हैं और आप लोग जिस जोश के साथ काम कर रहे हैं, आने वाले 5 सालों में आप इसी तरह से करते रहें और छत्तीसगढ़ के जो वासी हैं उनको आप लाभान्वित करते रहें। बिल्कुल धन्यवाद, और सभी छत्तीसगढ़ वासियों का आशीर्वाद इसमें प्राप्त हो, निश्चित तौर पर हमको एक नई ऊर्जा मिलती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस एपिसोड से और इस पूरे कॉन्वर्सेशन से ये तो समझ में आया कि सरकार अपनी नीतियों और उनके क्रियान्वयनों से हर एक जनता को, हर जनता के हर एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सिर्फ हमारी कोशिश एक आम नागरिक होने के नाते ये है कि हम भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, और अगर आपके भी कोई ऐसी क्वेरी या समस्याएँ हैं जो इन विभागों से संबंधित हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि मंत्री जी तक उन समस्याओं को पहुँचाया जाए। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात, तब तक आप देखते रहिए अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट, और हमारे चैनल डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।